हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इन्फो कट्टा। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कल के लिए कौन से ऐसे लेवल्स हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के जहां पे हम कॉल और पुट की पोजीशन ले सकते हैं। गाइज, चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं आपको लाइव मार्केट में डेली यहाँ पर एक कॉल प्रोवाइड करता रहता हूँ फ्री में। ठीक है, ये हमारा फ्री चैनल है, यहाँ पर आप देख सकते हो 20 अक्टूबर को भी मैंने यहाँ पर कॉल दिया था, 240 के ऊपर मैंने बाय करने के लिए बोला था और यहाँ पे 295 का लगभग हाई लगाया, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रीमियम ग्रुप है उसके भी यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करता रहता हूँ। अगर आपको प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसके डिटेल्स मैंने यहाँ पे शेयर कर लिए हैं, ये आप देख सकते हो, ऑफर चालू है अभी। ठीक है, आप व्हाट्सएप करके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, पूरा आप हिस्ट्री यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो गाइज, यहाँ पे देखते हैं अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी का कौन सा ऐसा लेवल है कल के लिए। ये वनडे का चार्ट मैंने निकाला है गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो जो चैनल है वो यहाँ पे निफ्टी में ब्रेक हुआ है। ठीक है, निफ्टी में जो चैनल है वो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है और नीचे यहाँ पे अभी निफ्टी ने दिया है सपोर्ट। ये अगर आप देखोगे यहाँ पे एग्जैक्टली इस लेवल पे, ये आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, तो सेम लेवल पे आके यहाँ पे निफ्टी 50 ने सपोर्ट लिया है और ऊपर जा रहा है अभी। ठीक है, मतलब यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया, यहाँ पे शैडो बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे चांसेस है निफ्टी 50 जो है यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी मैं आपको दिखाता हूँ वन डे में, फिर बाद में हम दोनों का लेवल्स देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखो, ये मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है बैंक निफ्टी में जो है, यहाँ पे सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, एग्जैक्टली उस सपोर्ट पे आके बैंक निफ्टी ऊपर गया है। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी में अगर मैं 5 मिनट का चार्ट ओपन करूँ गाइस, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये देखो एग्जैक्टली सेम लेवल पे सपोर्ट ऊपर, फिर से सपोर्ट एंड फिर से ऊपर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो है स्ट्रांग सपोर्ट है। अभी ये ट्रेंड लाइन जो है ये कल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं देखो आपके सामने अलर्ट भी डाल रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको लॉक करके रख रहा हूँ, ताकि यहाँ पे कल जब भी ये ब्रेक करेगा ना लेवल, इसके बाद यहाँ पे शार्प मोमेंटम डाउन साइड में मिलेगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा स्ट्रांग नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बुलिश हो गया था, फिर से नीचे आया, फिर से बंद होते समय यहाँ पे स्ट्रांग बुलिश यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चांसेस है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे कल पॉजिटिव हो सकता है। तो कल के लिए हमें लेवल जो रहेगा हमारा, देखो गैप डाउन के चांसेस तो बहुत कम है, गैप अप और फ्लैट ओपनिंग यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फ्लैट ओपनिंग हो गया या फिर इस बीच में गैप अप भी हो गया, तो हम यहाँ पे बाय किस लेवल के ऊपर करेंगे, जहाँ से रिजेक्शन मिला था ये आप देख सकते हो, जिस लेवल से यहाँ पे रिजेक्शन मिला था 39,750 के ऊपर हम यहाँ पे बाय की कॉल लेंगे। और अगर हमें यहाँ पे पुट में जाना है तो इस लेवल से पहले बिल्कुल भी हम यहाँ पे पुट में एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी कभी भी बड़ा बाउंस बैक दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेवल निकलता है हमें पुट के लिए वो निकलेगा हमें 38,900 का। ठीक है, अभी ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, आप भी यहाँ पे आपके मोबाइल में ड्रॉ करके रख लो। ठीक है, आपके चार्ट में यहाँ पे जो है ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ करके रख लो, अगर यहाँ पे ही ब्रेक होता है तो 38,870 थोड़ा ऊपर जाता है, यहाँ पे आके अगर ब्रेक होता है तो लेवल रहेगा 38,997। ठीक है, उस प्रकार का आपको यहाँ पे लेवल देखना है डाउन साइड में पुट अगर आपको लेना है, तो फिर बड़ा आपको नीचे टारगेट मिलेगा 300 से 400 पॉइंट का। ठीक है, नीचे आपको 300 से 400 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा, जो यहाँ पे लो लगाया था ना 38,430 का, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये हो गया बैंक निफ्टी का डाउन साइड मोमेंटम। अप साइड में 39,750 जैसे ही ब्रेक होगा, ऊपर के साइड में आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा 39,960 का। ठीक है, सेकंड टारगेट आपको मिलेगा यहाँ पे 40,150 का। ऊपर के साइड में आपको बड़ा टारगेट भी मिल जाएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है, ब्रेक होता है, ब्रेकआउट होता जाता है, तो आपको यहाँ पे ऊपर के साइड में बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी में यहाँ पे बड़ा टारगेट ऊपर के साइड में देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पे देखते हैं निफ्टी 50 में। ओके, ये देखो वही ट्रेंड लाइन है जो कि हमने यहाँ पे सपोर्ट लाइन है, सॉरी, जो कि हमने ड्रॉ की थी वन डे में। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे नीचे आया मार्केट। ओके, अभी यहाँ पे देखो सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर सपोर्ट, फिर ऊपर, फिर नीचे, बैंक निफ्टी नीचे नहीं आया है।
ठीक है, अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो ये बाद में ऊपर ही गया है, यहाँ पे भी ऊपर गया हुआ है। आखिरी का जो एक कैंडल है 15 मिनट का, ये अभी 5 मिनट का है, तीन कैंडल तो 15 मिनट का एक कैंडल यहाँ पे बुलिश है। बट यहाँ पे एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी थोड़ा वीक नज़र आ रहा है। ठीक है, निफ्टी यहाँ पे थोड़ा वीक नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ पे बाय का जो पोजिशन है वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे इस लेवल के ऊपर। ये जो लेवल है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा 17,830 का। ये आप देख रहे हो यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे जो है रेसिस्टेंस फेस किया हुआ है। ठीक है, जब ऊपर से नीचे आ रहा था तो इस लेवल पे, एंड यहाँ पे नीचे से ऊपर जा रहा था तो सेम लेवल पे। ठीक है, तो 17,834 के ऊपर ही हम यहाँ पे सीई में यहाँ पे एंटर करेंगे। कौन सा सीई हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, 18,000 का आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन जो है बाय कर सकते हो। गाइज मंडे के बाद कोई भी अगर आपने होल्डिंग किया हुआ है ना ओवरनाइट, तो वो ज़्यादा दिन आप होल्ड मत करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्सपायरी जो है वो वेनेसडे को है, इस वीक का एक्सपायरी वेनेसडे को है, क्योंकि यहाँ पे गुरुवार को जो है वो छुट्टी है दिवाली का, इसकी वजह से यहाँ पे एक्सपायरी जो है वेनेसडे को यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, 3 तारीख का इस महीने में एक्सपायरी है, मतलब इस वीक का। ठीक है, तो ये हो गया ऊपर के साइड में। यहाँ पे अगर जो है रेसिस्टेंस फेस करता है तो आप पुट में एंटर कर सकते हो, बट मेरा आपको जैसे कहना रहता है कि ब्रेकआउट होने के बाद ही एंटर करो और नीचे के साइड में ब्रेकडाउन होने के बाद ही एंटर करो। नीचे के साइड में आप जो लेवल है आपके लिए, आप थोड़ा सा यहाँ पे इसको शिफ्ट करेंगे ऊपर के साइड में। देखो 17,630, ठीक है, 17,630 ये जो लेवल है, इस लेवल के नीचे ही आप यहाँ पे पुट में एंटर करोगे। इसके नीचे अगर जाएगा ना तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मोमेंटम और देखने को मिलेगा निफ्टी 50 में। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे, अभी दिवाली आ रहा है, दिवाली में लोग जो है मैक्सिमम बाइंग करते हैं। ठीक है, शेयर्स के यहाँ पे बाइंग अच्छी खासी हो जाती है, और दिवाली के दिन जो मुहूर्त ट्रेडिंग रहती है, नए मेंबर्स है जिनको पता नहीं होगा, ठीक है, 4 तारीख को मार्केट बंद है, बट शाम को यहाँ पे 6:15 से लेके 7:15 तक 1 घंटा मार्केट चालू हो जाता है। उस दिन यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग हो जाती है, उस दिन भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, हम वहाँ पे लाइव रहेंगे, उस दिन भी हम यहाँ पे आपको कॉल दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उस दिन जो है बाइंग होने वाली है, तो उसका आपको सेंटिमेंट जो है कल परसों में दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा मार्केट बुलिश हो सकता है। तो यहाँ पे लेवल आपको समझ में आ गए, 17,834 बाय साइड एंड 17,630 सेल साइड। ठीक है, 200 पॉइंट का यहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बीच में जो है आपको यहाँ पे कुछ भी करना नहीं है, बीच में अगर आप एंटर करोगे फंस जाओगे। ठीक है, बीच में अगर आप एंटर करोगे फंस जाओगे। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, ये अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो इस लेवल को भी आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो 17,750 को फिर आपको यहाँ पे लगभग 80-90 पॉइंट का टारगेट भी यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर इस लेवल जो है ब्रेक होता है उसके बाद आप यहाँ पे एंटर करोगे, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट टू फ्लैट ओपनिंग, उससे पहले यहाँ पे एंटर नहीं करना है। ओके गाइस, तो ये थे हमारे आज के लेवल्स बैंक निफ्टी और निफ्टी के। अगर आपको वीडियो पसंद आया है गाइस, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और यहाँ पे ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ डेली में। आपके लिए यहाँ पे लाइव मार्केट में कॉल प्रोवाइड करता हूँ, चार्ट शेयर करता हूँ, आप पूरा हिस्ट्री चेक कर सकते हो। चैनल को ज्वाइन कीजिए, 2-3 दिन आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपको कितनी सारी यहाँ पे एजुकेशनल पर्पज डिटेल्स भी शेयर की जाती है। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं अपने आपके कट्टे पे, तब तक जय हिंद।